एक करोड़ से अधिक गांजे की तस्करी के मामले में दो आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,20,000 रुपए के जुर्माने से किया दंडित। आपको बता दें कि रीवा पुलिस द्वारा 4 वर्ष पूर्व तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा कीमती पकड़े गए अवैध गांजे के मामले में जिला न्यायालय द्वारा आज फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को 12-12 वर्ष का कारावास व 1,20,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। मामले में लोक अभियोजक शशि तिवारी ने बताया कि 5 आरोपियों में से 1 आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी, जबकि 1 आरोपी अभी भी फरार है। वहीं 1 आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया है। लोक अभियोजन शशि तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2019 में चौरेटा पुलिस द्वारा तकरीबन 1 करोड़ कीमती 10 क्विंटल गांजा ट्रक में पकड़ा गया था। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को आरोपी बनाया था। जिला न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश NDPS एक्ट केशव सिंह ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनते हुए इसके बाद आरोपी वीर सिंह उम्र 70 वर्ष निवासी नागपुर रोड जसूजा सिटी थाना गढ़ा जिला जबलपुर एवं मुकेश प्रसाद विश्वकर्मा उम्र 41 वर्ष निवासी जोशी मोहल्ला गंगानगर थाना गढ़ा जिला जबलपुर को NDPS एक्ट के तहत दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। उन्होंने बताया कि मामले के एक आरोपी रामलाल जायसवाल निवासी समान चौराहा जिला रीवा की मामले के विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी, जबकि एक आरोपी गुरविंदर सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी कोटदी थाना कोटली जिला गुरदासपुर पंजाब अभी मामले में फरार है। वहीं एक आरोपी मनोज पांडे पिता चंद्रशेखर पांडे उम्र 30 वर्ष निवासी बीड़ा थाना सिमरिया जिला रीवा को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है। प्रस्तुत है लोक अभियोजक शशि तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। बताए मैम, ये अभी गांजे के मामले में सजा हुई है, क्या ये विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। इसमें 5 आरोपी थे और 1 आरोपी दो आरोपी को 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसमें क्या था मामला, यह 21/1/2019 का है। इसमें चोराटा थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मैहर से चलकर 12 से 4 बजे के बीच में मादक पदार्थ गांजा आने वाला है, जिससे पुलिस द्वारा घेराबंदी किया गया। घेराबंदी करने पर एक ट्रक तथा एक स्कॉर्पियो पकड़े गए। उनमें से 5 आरोपी थे। 5 आरोपियों से पूछताछ की, सबने अपना नाम पता बताया और बताया कि यह रीवा मादक पदार्थ ले जाया जा रहा था, जिसमें माननीय न्यायाधीश ने आज इसमें सजा सुनाई है। इनमें से वीर सिंह तथा मनोज विश्वकर्मा को 12 वर्ष का सश्रम कारावास तथा अर्थदंड की भी सजा सुनाई है। और इसमें एक रामलाल जायसवाल था जो मृत हो गया है और गुरविंदर सिंह अभी भी फरार है तथा एक आरोपी को इसमें बरी कर दिया गया है। कब का ये मामला है? मामला यह 21/1/2019 का है।